कैमरा अलाउ है देन ऐसे वीडियो मार गया इधर देख सकते हैं सोना देख सकते हैं ब्लॉक कितना रखा है ये देखिए मतलब आगे में हम लोग जाने के लिए कोशिश करेंगे अंदर में जाने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, तो आज हम लोग जा रहे हैं, आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ मैसूर प्लेस। मतलब पिछले बार में भी मैंने बना चुका उसका ब्लॉग, उस समय में नाइट में बनाया था, तो आज मैं आप लोग के लिए गेट की तरफ में मतलब टिकट काउंटर ही दे रहे हैं, टिकट काउंटर टिकट लेके जाता हूँ। ये बाद में हम अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन अंदर में वीडियो करने के लिए अलाउ नहीं है। तो यहाँ है बाहर का नजर, ऐसा कुछ है इस तरफ में ऐसा है। आई हैव कैमरा। यहाँ दशहरा का दिन में फुल लाइटिंग और फूलों से सजाया जाता है, पूरा महल को पूरा अच्छी तरह से फूलों से और लाइटिंग से बरामद सजाया जाता है। तो अभी हम लोग अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ही आदमी लोग कमी है यहाँ पर। मतलब अभी तक मतलब दोपहर है, इसलिए कोई आदमी बंदा इधर नहीं आ रहा है। थोड़ा बाद में ज्यादा आदमी हो जाएगा तो फिर आदमी को इधर बढ़ जाएगा शाम के तरफ में। बहुत ही खूबसूरत नजारा है, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे। तो यहाँ पर भी गार्डन वगैरह सब है। यहाँ मतलब मेरा फ्रंट कैमरा है ना, इतना क्लियरिटी नहीं है, तो मैं आप लोगों को पीछे के कैमरा की तरफ से दिखाना चाहूंगा। ये देखो ईगल भी ऊपर में उड़ रहा है। तो वीडियो क्लियरिटी कैसा है आप लोग मुझे कमेंट पर बता दीजिए, कोशिश करूंगा कि अच्छा से वीडियो पकड़े उस दिन। या मैं आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरा मैसूर पैलेस करके नाइट में जो मैंने वीडियो बनाया था, और आज मैं दिन में बना रहा हूँ। मतलब दिन का नज़ारा कैसा है और रात का नज़ारा कैसा है, इसलिए मैंने दोनों भी बना के आप लोग के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। यहाँ डाल सकते हैं और देख सकते हैं। ये मैंने पीछे की तरफ से वीडियो ले रहा हूँ अभी, ये पीछे की तरफ से है। तो वीडियो क्लियर, मेरा आवाज और वीडियो का कैसा आ रहा है आप लोग मुझे कमेंट पर बता दीजिए। कोई कोई लोग बहुत बोल रहे थे आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं है। आज इसीलिए मैं थोड़ा जोर जोर से चिल्ला के बात कर रहा हूँ। आवाज क्लियरिटी आप लोग को शायद नहीं भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर हवा भी बहुत चल रहा है। तो आप लोग कमेंट पर बता दीजिए वीडियो क्लियरिटी कैसा आ रहा है और मेरा आवाज का क्लियरिटी कैसा है। मतलब यहाँ का स्टोरी इतना मैं बता कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मतलब वहाँ पर आके आप लोग देख सकते हैं, मतलब टाइगर को मार दिया था, बोले टाइगर को मार दिया था। हाँ, तो यहाँ से एक गेट है और यहाँ से एक गेट है जो हम लोग एंट्री लिया था, यहाँ से गेट है। पार्क लोग भी आप लोग देख सकते हैं इस तरह का है, और पीछे का नजारा पूरा यहाँ पर पूरा लाइट से सजाया हुआ है, पूरा लाइटिंग है पूरे यहाँ में। आप लोग एक छोटे से पॉट देख रहे होंगे, वो भी सोने से बनाया हुआ है, पूरी तरह से इसको सजाया गया है। ये देखिए मतलब आगे में हम लोग जाने के लिए कोशिश करेंगे अंदर में जाने के लिए। लोग को चामुंडी यहाँ से ना, आप लोग को चामुंडी हिल्स का भी नज़ारा दिखाई देगा। ओ देखिए चामुंडी हिल्स, वहाँ मतलब दुर्गा माता जी का जो मंदिर है वो यहाँ से अच्छा से दिखाई दे रहा है। वो पहाड़ के ऊपर में है एक मंदिर, यहाँ से लगभग मतलब 50-60 रुपया लेगा ऑटो में, वहाँ भी घूम सकते हैं आप लोग, यहाँ घूमने का बहुत जगह है। तो चलिए अभी अंदर की तरफ जाके देखते हैं हम लोग भी। अब लोग भी मेरे वीडियो पर रहे और मेरे साथ साथ अंदर महल के अंदर में घूमिए। कुल शानदार मैसूर पैलेस के बारे में बताने वाली हूँ। यह पैलेस कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित एक ऐतिहासिक महल है।
मैसूर पैलेस एक राजमहल है। मैसूर के कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ का यह राजमहल सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल है। इस महल का निर्माण सन 1897 में शुरू हुआ और सन 1912 में पूरा किया गया, लेकिन सन 1940 तक इस महल का विस्तार शुरू था। हालांकि अभी हम जो महल देखते हैं वो नया महल है। इसके पहले का पूरा राजमहल चंदन की लकड़ियों से बना था। एक दुर्घटना में चंदन से बने महल का बहुत नुकसान हुआ था, जिसके वजह से यह नया महल बनवाना पड़ा था। पुराने महल को बाद में ठीक किया गया, जहां अब संग्रहालय मौजूद है। यहां 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी की गुड़ियों का संग्रह है। इसमें 84 किलो सोने से सजा लकड़ी का हुआ भी है, जिसे हाथियों पर राजा के बैठने के लिए लगाया जाता था। संग्रहालय के सामने 7 तोहफे रखी हुई हैं। इन्हें हर साल दशहरा के आरंभ और समापन के मौके पर दागा जाता है। दूसरा महल पहले से ज्यादा बड़ा और अच्छा है। इस महल में लगे गुंबद सोने के हैं। हर वर्ष दशहरे में इसे रंगीन लाइटों से बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया जाता है, जिसे देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग मैसूर आते हैं। साल भर में यहाँ करीब 25 लाख सैलानी आते हैं, जबकि सिर्फ इसी नवरात्रि में 30 लाख पहुँचे। पिछले साल मैसूर राजघराने के राजा कंच दत्ता नरसिम्ह राजा वाडियार का निधन हो गया था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं होने के कारण किसी को भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया। दशहरा में 200 किलो शुद्ध सोने के बने राज सिंहासन की प्रदर्शनी लगती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पांडवों के जमाने का है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलिए। ये जो पूरा सोने का है, दशहरा का दिन में इससे भी बाहर निकाला जाता है तो पूरे यहाँ भीड़ लग जाती है। आप लोग भी दशहरा में आ सकते। और यहाँ जितना भी चेयर देख रहा है आप लोगों ने, वो सब सिल्वर का है। और ये जो आगे में लगाया वो हाथी का दांत है, सब चांदी का चेयर है। ये सब इधर में हाथी का दांत भी लगाया हुआ है, वो प्योर हाथी का दांत है। बहुत ही भीड़ भाड़ है यार अंदर में, पूरा धक्का मुक्की करके वीडियो बनाना पड़ रहा है आप लोग के लिए। मतलब पूरा देखने के लिए नहीं मिल रहा है, पूरा जगह घूमने के लिए। आप लोग भी हो सके तो आके घूम लीजिए। वीडियो में इतना दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, धक्का मुक्की चल रहा है ज़्यादा। यहाँ ऐसा भी होता है, लोग मतलब वो नीचे में हम लोग पूछ के आए परमिशन लेके कि मतलब कैमरा वगैरह खींच सकता है क्या, तो उन लोगों ने बोला है सब अलाउ है करके। तो ये एक भाई है मतलब जो कैमरा करके आ रहा था, तो उसको बोल रहा था मतलब कुछ पुलिस वाला लोगों ने DSLR अलाउ नहीं है करके, लेकिन पैसा नहीं लिया बोल रहा है वो। उससे भी मैंने बात किया था, धक्का मुक्की नहीं करने का। बहुत ही गर्म है यार, इतना भीड़ भर के अंदर में पूरा पसीना पसीना हो जाता है, पूरा गर्मी से मरने वाला हूँ मैं। क्या नजारा है। तो वो बंदा ने DSLR से इधर से कैमरा उमरा कर रहा था, तो उसको पुलिस वाला लोग ने पकड़ लिया है। मेरा भी पहले ऐसा ही हुआ था, मतलब हम फोटो खींच रहा था इधर से यही प्लेस में, एक पुलिस वाला आके हमको पकड़ लिया था। तो हम बोला है उसको, हम स्टूडेंट हैं यहाँ का, हम ये नहीं कर सकते, पैसा नहीं दे सकता ऐसा है। लेकिन वो 50 रुपीज़ मांग रहा था, लेकिन भी मैंने नहीं दिया। क्या DSLR से अलाउ नहीं है बोला है, अलाउ नहीं है करके बोला है क्यों? और नीचे में तो मैंने पूछा था ना उनको, वो बोल रहा था अलाउ है करके। नीचे में आदमी पुलिस वाला को पूछा था, DSLR सब कैमरा अलाउ है करके बोल रहा था। फिर वो बोल रहा है पैसा लिया क्या, नहीं लिया नहीं। तो हम लोग यहाँ से एग्जिट हो रहा है अभी, यह है एग्जिट। तो यहाँ देख सकते हैं सोना, देख सकते हैं अब लोग कितना रखा है। यहाँ नहीं बहुत सोना बिकता दुनिया।
पैलेस के बाहर में आप लोग को ऐसा सामान भी मिलेगा वुडन का, और इधर बुद्धा जी का मूर्तियाँ है, यहाँ पर कुछ टॉयस वगैरह है बच्चों का खेलने का, और ऐसा वुडन का सामान सब है, वो सब आप लोग परचेस भी कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता में मिलता है ये बुद्धा जी का मूर्ति वगैरह। वीडियो में यहाँ पर अंत करता हूँ, सबको बाय, फिर मिलेंगे अगले।